So what is up, YouTube? Skinny bitch. तो भाई एक बार वापस से जिम हैक वाला वीडियो लेके वापस आ गया है। पिछला वाला वीडियो में उतना अच्छा रिस्पॉन्स आया नहीं था, पर फिर भी हम लोग तो मतलब मैं तो बनाऊंगा भाई। पिछला वीडियो में उतना अच्छा कुछ मतलब स्पेशल हैक्स कुछ था भी नहीं उतना। तो ये जो हैक्स है, ये चेस्ट वर्कआउट का हैक्स होने वाला है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट, आई मीन दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव हैक्स यू वुड नीड टू अप्लाई इन योर वर्कआउट्स। तो भाई पूरा वीडियो देख लो, उसके बाद मिलते हैं वीडियो के एंड में। सो वन मोर थिंग कि जब मैं वीडियो बना रहा था तब एक डिप्स जब मार रहा था तब उसमें भी एक हैक देना था, पर यू नो मेरा फ़ोन का स्पेस ही ख़त्म हो गया। सो नहीं पता उसका क्या हुआ, फिर से शायद मेरे को वीडियो बनाना पड़ेगा। लेट्स सी। सो हर चेस्ट सेशन के पहले ये वाला मोबिलिटी ड्रिल कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे इंजरीज का चांसेस बहुत कम जाते हैं। तो भाई बहुत सारे बंदे होते हैं जो डायरेक्टली आके बेंच या डंबल प्रेस कुछ भी मारना स्टार्ट कर देते हैं, तो हमेशा चेस्ट सेशन से पहले एक कोई भी एक फ्लाई मूवमेंट कर लो जिससे कि ब्लड फ्लो अच्छे से बढ़ जाए चेस्ट में। तो जिनका फ्लैट डंबल प्रेस में फील नहीं होता, जिनका फ्लैट डंबल प्रेस में फील नहीं होता, मतलब मेरा तो नहीं होता, तो उनके लिए एक चीज़ है, जब भी आप डंबल प्रेस लगा रहे हो अपने स्कैपुला को रिट्रैक्टेड पोजिशन में रखो, जिससे कि आपका बस हाथ मूवमेंट होना चाहिए, स्कैपुला ऐसे नहीं होना चाहिए। स्कैपुला को ऐसे लॉक रखो जिससे कि तुम्हारा बस हाथ ही मूवमेंट हो पाए हाथ का, और जिससे टेंशन सिर्फ चेस्ट पे बने जाए। तो अगर फिर भी फ्लैट डंबल प्रेस में फील नहीं होता है, क्योंकि मेरे को मतलब मैं फेस कर चुका हूँ उसको, मुझे फ्लैट मतलब पूरा फ्लैट फील नहीं होता, तो उनके लिए बस एक एंगल उठा दो, एक एंगल चढ़ा दो, इसके बाद अपना डंबल प्रेस परफॉर्म करो, मसल मैट ट्रैक्शन ज़्यादा अच्छा मिलता है। आओ तो जैसे डंबल प्रेस में था वैसे ही सेम टू सेम स्कैपुला और लॉक रखना, स्कैपुला छोड़ना नहीं, हमेशा स्कैपुला और लॉक रखो, बस आर्म्स का मूवमेंट है और चेस्ट पे टेंशन बनेगा, टेंशन देना चेस्ट पे। जिम का मतलब सभी का ये नेचर होता है कि जिम ऐसे डाउन हो जाता है धीरे धीरे, खुद का भी देखना हो जाता है, मेरा भी होता है ऐसे, जिम डाउन नहीं करना, जिम को ऑफ करके फिर चेस्ट को यूज करो। तो भाई लोग बहुत सारे लोग हैं जो डंबल में फ्लाइज करते हैं, पर मैं प्रेफर करता हूँ इंक्लाइन बेंच केबल फ्लाइज, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज फॉर अपर चेस्ट। नो पूरा रेंज ऑफ मोशन में जो चेस्ट का अपर चेस्ट का जो मसल है टेंशन पूरा बना रहता है, इसीलिए डंबल फ्लाइज से ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो भाई नॉर्मल डिप्स तो सबको पता ही है भाई कैसा होता है। सो बेसिकली व्हाट आई एम गोना डू इज डू 3 सेट्स ऑफ डिप्स 12 टू 15 रिपीटेशंस। ऐसा भी नहीं कि भाई तुम पूरा मक्खन मार रहे हो, ठीक है, इट शुड बी हार्ड, राइट? इफ़ यू वांट योर सेट्स टू बी हार्ड यू कैन ऐड ऑन योर वेट्स। मेरा काम तो अपने बॉडी वेट से ही हो जाता है भाई, क्योंकि मैं एकदम लास्ट में डिप्स करता हूँ तो तब तक उतना एनर्जी बचता भी नहीं है। सो द मेन पार्ट कम्स हियर, 3 सेट होने के बाद 4th सेट में क्या करना है, पूरा फेलियर तक पुश करो,
दस बारह जितना रेपिटेशन होता है होने दो, और वो एकदम इजी नहीं होना चाहिए। चाहिए तो वेट ले लो या फिर खुद के बॉडी वेट से ही करो। उसके बाद 15 सेकंड का रेस्ट लो। अभी जैसे भी हो तुमको 20 रेपिटेशन करना है, ठीक है। 20 रेपिटेशन ऐसे भी नहीं कि मतलब नॉर्मल रेपिटेशन है, पूरा पॉज रेप्स, नीचे आके एक सेकंड का पॉज मारना फिर ऊपर आना। एंड योर लास्ट फ्यू रेप्स शुड लुक लाइक दिस। और मुझे ये शूट करने के लिए फिर से एक हफ्ता वेट करना पड़ा। तो मैं बस ये वीडियो के लिए इतना ही। कमेंट्स में बता दो ये हैक्स कैसा लगा, और अगले कुछ वीडियोस में बहुत सारे सरप्राइजेज हैं, कुछ धमाके भी होने वाले हैं। तो आई वुड रिकमेंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, मेरे को भी सपोर्ट मिल जाएगा, मोटिवेशन भी मिल जाएगा वीडियो बनाने के लिए। हम लोग कोशिश करेंगे कुछ क्रेजी स्टफ्स करने का। सो सब्सक्राइब द चैनल और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।